फिर बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत मजा आया। गंगा माँ में मैंने अच्छे से स्नान किया। मनोकामना कुछ नहीं, बाबा का सिर्फ आशीर्वाद चाहिए। सुल्तानगंज के अजगैवीनाथ धाम में सावन के दूसरे सोमवारी को लेकर रिमझिम बारिश होने पर बिहार, झारखंड, बंगाल, नेपाल सहित अन्य जगहों के लाखों शिव भक्तों ने गंगा स्नान करते हुए अजगैवीनाथ गंगा घाट से जल लेकर पूजा पाठ करते हुए हर हर महादेव बोल बम के नारों के साथ पैदल व वाहन से बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुए हैं। देवघर, बंगाल, नेपाल, झारखंड, बिहार के शिव भक्तों ने बताया कि सावन में अजगैवीनाथ धाम आने पर काफी खुशी मिलती है। यात्रा है जी। पहली यात्रा है। कैसा लगा यहाँ अजगैवीनाथ धाम? अच्छा लगा मुझे, बहुत मजा आया। गंगा माँ में मैंने अच्छे से स्नान किया और यहाँ पे काफी मतलब एनडीआरएफ की टीम भी घूम रही है कि अगर जो स्विमिंग नहीं कर सकते अगर गिरे तो वो उन्हें सेव कर सके। काफी अच्छा है, व्यवस्था बढ़िया है। बाबा के दरबार जा रहे हैं तो क्या मनोकामना है इस बार? जी कुछ नहीं, मैं उसी नगरी की वासी हूँ, मैं देवघर में ही रहती हूँ और कुछ नहीं, बस बाबा को प्रणाम करने, उनका आशीर्वाद लेने के लिए। और आप लोग? हम देवघर से आए हुए हैं जी। जी पहली यात्रा है? पहली यात्रा है। कैसा सुविधा है आप लोग? इस बार तो बहुत बढ़िया फैसिलिटी देखने को मिल रहा है। पिछले साल जैसा बताए थे उस मुताबिक बहुत बढ़िया फैसिलिटी मिल रहा है। चारों तरफ ब्रैकेटिंग किया हुआ है, काफी बढ़िया व्यवस्था किया हुआ है। क्या इस बार बाबा के दरबार जा रहे हैं, क्या मनोकामना लेके? मनोकामना कुछ नहीं, बाबा का सिर्फ आशीर्वाद चाहिए। नाम बता रहे हैं? नाम अंकित हुआ, देवघर से आए हैं। इसलिए बाबा भोलेनाथ के दरबार अजगैवीनाथ धाम से पैदल व वाहन से बैद्यनाथ धाम गंगा जल चढ़ाने जाते हैं। बाबा भोलेनाथ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस हर वर्ष कांवड़ियों की भीड़ दिन प्रतिदिन अधिक हो रही है और कहा कि जिला प्रशासन के द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष अच्छी व्यवस्था की गई है, जो गंगा घाट में SDRF टीम, गंगा घाट में बेरी कैंटीन, कच्ची कांवरिया पथ में भी अच्छी व्यवस्था की गई और पुलिस प्रशासन द्वारा भी गंगा घाट से लेकर कच्ची कांवरिया पथ तक जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था होने पर कांवरियों को इस बार कोई परेशानी नहीं हुई है।